This video is sponsored by KW Delhi 6. नमस्कार दोस्तों, दिस इज डाइटिशियन रिचा वसीम। आई होप आप सब लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, हैप्पी होंगे। सो टाइम वेस्ट ना करते हुए आज मैं अपना टॉपिक स्टार्ट करती हूँ। आज हम बात करेंगे मॉनसून यानी बरसात के डाइट प्लान के बारे में। सो, बरसात अपने साथ जो है बहुत सारी बीमारियाँ लेके आता है। वायरल इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन, माइक्रोबियल इन्फेक्शन, इनडाइजेशन, फीवर, कोल्ड, कफ, इस तरीके की प्रॉब्लम जो है काफ़ी लोग फेस करते हैं। साथ साथ जो है इम्यूनिटी भी लोगों का बहुत वीक हो जाता है मॉनसून के टाइम पे, एंड इस टाइम पे मेटाबॉलिज्म भी काफ़ी स्लो हो जाता है। सो आज मैं आपके साथ कुछ टिप्स शेयर करूंगी जो आप लोगों को डेफिनेटली बेनिफिट देगा। सो आप उसको फॉलो करें, और ये वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आए तो काइंडली गो एंड शेयर दिस वीडियो, क्योंकि जितना ज़्यादा आप वीडियो को शेयर करेंगे उतना ज़्यादा आपका भी नॉलेज इंक्रीज होगा। सो शुरुआत करते हैं हम अपने सेशन की। सो, सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रीन वेजिटेबल के बारे में। जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ कि ग्रीन वेजिटेबल, लीफी वेजिटेबल हमें ज़्यादा से ज़्यादा खाना चाहिए, बट बरसातों में हमें लीफी वेजिटेबल को अवॉइड करना चाहिए। बिकॉज होता क्या है, लीफी वेजिटेबल में छोटे छोटे कीड़े लगने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। सो उससे आपको काफ़ी प्रॉब्लम हो सकता है, वायरल इन्फेक्शन होने के चांसेस आपको हो सकते हैं। तो आप जो लीफी वेजिटेबल है उसको आप अवॉइड करें, एंड गोभी है, ब्रोकली है, एंड पत्ता गोभी है, इनको भी आप अवॉइड करें, बिकॉज इसमें भी लार्वा होने के चांसेस होते हैं और ये भी आपको नुकसान पहुंचा सकता है। बरसात के दिनों में आपको गॉड वेजिटेबल्स ज़्यादा खानी है, जैसे घिया, तोरी, कद्दू, रेडिश, कैरेट, बीन्स, ये वाली वेजिटेबल्स आप ज़्यादा खाइए। देन सेकेंड पॉइंट हमारा आता है फ्रूट्स का। फ्रूट्स में जो वाटर बॉर्न वाले फ्रूट्स होते हैं वो हमें अवॉइड करने हैं, जैसे वाटरमेलन हो गया, मस्क मेलन हो गया, उसको आप अवॉइड करें। इस टाइम पे आप विटामिन सी वाले फ्रूट ज़्यादा से ज़्यादा खाइए। आप एप्पल ले सकते हैं, बनाना ले सकते हैं, पियर है, प्लम है, जो सीजनल फ्रूट्स आ रहे हैं उनको आप लीजिए, और वाटर बॉर्न वाले फ्रूट जो है उनको आप अवॉइड कीजिए। थर्ड पॉइंट हमारा ग्रेन का आता है। वीट जो है वो हमेशा से हैवी ग्रेन में माना जाता है, तो तीनों टाइम जो है वो वीट ना लेके आप अदर ग्रेन भी जो है वो अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं। अदर ग्रेन में आप ओट्स ले सकते हैं, रागी ले सकते हैं, आप किनुआ ले सकते हैं, आप ज्वार ले सकते हैं, बाजरा ले सकते हैं। नेक्स्ट हमारा बारी आती है ऑयल की। बरसातों के टाइम पे हमें एंटी माइक्रोबियल ऑयल जो है उसको ही यूज़ करना चाहिए, जो कि हमारा ऑलिव ऑयल है, सेसमे ऑयल है, पीनट ऑयल है, एंड कोकोनट ऑयल है। मस्टर्ड ऑयल जो है वो थोड़ा आप बरसातों के टाइम पे अवॉइड करें। और बरसातों में मोस्टली क्या होता है, सबका मन करता है कि वो लोग जो है समोसे खाएं, पकौड़े खाएं और जलेबी खाएं, और हम लोग बाहर से जाके ये सारी चीज़ें लेके आते हैं, बट हमें ये अवॉइड करना है, बिकॉज जो बाहर भैया ये सब चीज़ें बना रहा है, भजिया एंड ऑल, ये सब क्या करते हैं, ये लोग ऑयल को बार बार रीहीट करते हैं। तो जो ऑयल है अगर वो बार बार रीहीट होता है तो वो टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करता है और वो कार्सिनोजेनिक हो जाता है, जो आपकी हेल्थ को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट देगा, बहुत नुकसान हो जाएगा। सो इस बात का हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारी बारी आती है शुगर एंड सॉल्ट की। बरसातों के टाइम पे हमें शुगर का कंजप्शन भी कम करना है और हमें सॉल्ट भी कम लेना है, बिकॉज इस टाइम पे एक तो वाटर रिटेंशन का, ब्लॉटिंग का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा फेस करते हैं, स्पेशली फीमेल्स बहुत फेस करती हैं, पफिनेस हो जाती है आइस के नीचे। सो सॉल्ट का इंटेक आप कम करें, स्पेशली डिनर में। अगर आप डिनर बहुत लेट कर रहे हैं तो आप सॉल्ट फ्री डिनर लीजिए, या फिर आप 7 बजे तक खाना खा लीजिए। नेक्स्ट हमारी बारी आती है फर्मेंटेड फूड की। फर्मेंटेशन से जो है एक तो वायरल इन्फेक्शन होने के एंड फंगस लगने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। सो इस टाइम पे इडली, ढोकला, डोसा कम से कम खाइए, और इवन आप स्प्राउट्स वाली चीज़ें भी अवॉइड करें, बिकॉज वो भी डाइजेस्ट ईजी नहीं होता है। तो आप दालें ज़रूर खाइए, रेगुलर लीजिए, बट आप उसको कुक्ड फॉर्म में लीजिए। नेक्स्ट बारी आती है हमारी वाटर की। वाटर के बारे में मैंने पहले भी बोला था, वाटर हमें ज़्यादा से ज़्यादा लेना चाहिए, एटलीस्ट 12-15 ग्लास ऑफ वाटर हमें रेगुलर बेसिस पे लेना चाहिए। सो वाटर का इंटेक अच्छा रखिए। अगर आप प्लेन वाटर नहीं लेना चाहते हैं सो आप ग्रीन टी के फॉर्म में ले सकते हैं, आप कोकोनट वाटर ले सकते हैं, आप कोई भी इन्फ्यूज्ड वाटर ले सकते हो, आप लेमन वाटर ले सकते हैं, बट वाटर आपको अच्छे से अच्छा लेना है। और आपको टी कॉफ़ी का कंजप्शन जो है वो रिड्यूस करना है, बिकॉज ये आपकी बॉडी को डिहाइड्रेट कर देगा। क्या आप अपने बच्चों का भविष्य सुनिश्चित करना चाहते हैं? तो फिर देर किस बात की,
please visit at site and grab the scheme benefits. Offer for limited period. Go and read our project highlights. Next point हमारा आता है bitter food items का. बरसातों के time पे हमें specially bitter चीजें खानी चाहिए because इस time पे infection ज्यादा हो जाता है तो आपकी body में बहुत सारे toxins हो जाते हैं. आपकी blood को purify करने के लिए हमें bitter चीजें add करनी है. जैसे कि आप कड़ी पत्ता ले सकते हैं, आप करेले का जूस ले सकते हैं, करेले की सब्जी खा सकते हैं एंड आप जो है नीम के पत्ते ले सकते हैं. तो ये आप ऐड करिए अपनी डाइट के अंदर. इम्यूनिटी जिनको स्ट्रॉन्ग करनी है, जिनका काफ़ी लो है, तो उनको अपने दिन की शुरुआत जो है वो किलोए के जूस के साथ करनी चाहिए. आंवला का जूस ले सकते हैं, एलोविडो का जूस ले सकते हैं. तो इन पॉइंट का भी आप ध्यान रखिए. नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है मिल्क का. मिल्क जो है वो सब लोगों को डाइजेस्ट नहीं होता, स्पेशली मॉनसून के टाइम में. तो आप हमेशा हल्दी या फिर सिनेमन डाल के उसको ले सकते हैं, तो उससे आपको ये समस्या नहीं होगी. और आप कर्ड और बटर मिल्क जो है इसको आप स्पेशली अवॉइड करें बरसातों में एंड डिनर में स्पेशली. आप लंच में अगर लेना चाहते हैं तो आप मात्रा कम लीजिए, बट आप थोड़ा अवॉइड करें मॉनसून के टाइम पे कर्ड एंड बटर मिल्क को. एंड हाइजीनिक लेवल का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें. सो उसके लिए आप जो है अपना जो भी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल लेके आ रहे हैं तो उसको सॉल्ट वाटर से आप वॉश करिए, या फिर आप एप्पल सिडार विनेगर भी यूज़ कर सकते हैं. ये बहुत इफेक्टिव टिप है, आप इसको ट्राई ज़रूर करिएगा. सो उससे क्या होगा, आपकी इम्प्योरिटीज़ जो है वो वेजिटेबल एंड फ्रूट से काफ़ी हद तक क्लीन हो जाएगी. सो आप उसको ट्राई ज़रूर करें. सो ये बात रही हमारे डाइट प्लान हमें कैसे रखना चाहिए, टिप्स क्या क्या थी, डाइट में क्या लेना चाहिए क्या नहीं लेना चाहिए. नेक्स्ट पॉइंट हमारा एक्सरसाइज का आता है. अब बरसातों में भी क्या होता है, हम लोग बाहर नहीं जा पाते हैं, बट हमें अपने आप को एक्टिव ज़रूर रखना है. तो आप इनडोर एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, आप जुम्बा कर सकते हैं, आप भांगड़ा वर्कआउट कर सकते हैं. बहुत सारी ऐसे अच्छी अच्छी वीडियोज़ जो है आप ट्राई करिए, काफ़ी अच्छे आपको यूट्यूब में वीडियोज़ मिल जाएगी. उसको आप ट्राई करिए और एक्टिव रहिए, इनएक्टिव मत रहिए. बिकॉज इनएक्टिव रहेंगे, एक्टिविटी नहीं करेंगे तो बहुत लेथार्जिक फील करेंगे. सो आपका माइंड एंड बॉडी को एक्टिव रखने के लिए कुछ ना कुछ एक्सरसाइज आप जरूर करें. नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है स्लीप का, जो मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी आप लोगों को बोला था कि अपना स्लीप पैटर्न जो है उसको प्रॉपर रखें, उसको डिस्टर्ब ना करें, स्क्रीन टाइम को थोड़ा सा कम करें और 7 से 8 घंटे का नींद जरूर लें. अब मैं आपको बताऊंगी कि आपको डाइट प्लान अपना कैसे रखना है. सो डाइट में आपको क्या करना है, 2-2 घंटे में कुछ ना कुछ लेना है, एक साथ ज्यादा नहीं लेना है. सो स्मॉल फ्रीक्वेंट मील से आपका डाइजेस्टन प्रोसेस जो है वो काफ़ी ठीक रहता है. सो आप अपने दिन की शुरुआत जैसे मैंने बताया, आप गिलोए के जूस के साथ कर सकते हैं, नहीं तो आप गुनगुने पानी के साथ अपनी दिन की शुरुआत कर सकते हैं. उसके साथ आप जो है नट्स ले सकते हैं, आप सीड्स ले सकते हैं, या आप कोई भी इन्फ्यूज वाटर्स के साथ भी अपने दिन की शुरुआत कर सकते हैं. देन आफ्टर 2 आवर्स टेक योर ब्रेकफास्ट. ब्रेकफास्ट जो है वो आपका बहुत हेल्दी होना चाहिए बिकॉज आपकी बॉडी जो है इनएक्टिव हो जाएगी अगर आप ब्रेकफास्ट ही नहीं करेंगे. आपका मेटाबॉलिज्म जो है वो सुबह सुबह ही स्लो डाउन हो जाएगा. सो आप अपना ब्रेकफास्ट जो है वो बहुत हेल्दी एंड न्यूट्रिशियस रखिए. आप जो है वेजिटेबल दलिया ले सकते हैं, ओट्स ले सकते हो, पोहा ले सकते हो, स्टफ रोटी ले सकते हैं एंड मिल्क के साथ फ्रूट्स है, नट्स है, कुछ भी चीज़ें आप अपना ले सकते हैं ब्रेकफास्ट में. देन ब्रेकफास्ट के बाद मिड मॉर्निंग का टाइम आया. मिड मॉर्निंग में आप जो है कोई भी सीजनल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल आप ले सकते हो. आप इवन कैरेट भी ले सकते हैं एज योर मिड डे स्नैक्स एंड आप कोई फ्रूट भी ले सकते हैं, या फिर आप ग्रीन टी के साथ रोस्टेड चना, रोस्टेड मखाने ये भी आप ले सकते हो, और कोई भी नट मिक्सचर अगर आपने घर में बनाया है तो वो भी आप ले सकते हैं. देन आफ्टर 2 आवर्स यू कैन टेक योर लंच. लंच के टाइम पे आप दाल जो है, दाल, ग्रीन वेजिटेबल, रोटी, सैलेड, और अगर आपको राइस लेना है तो आप जो है रोटी अवॉइड करें, और अगर आपको रोटी लेनी है तो आप राइस अवॉइड करें. कोई भी एक ग्रेन आप लीजिए जो मैंने आपको बताया है. देन उसके बाद इवनिंग टाइम में आप जो है ग्रीन टी ले सकते हैं, आप इवन सूप भी ले सकते हो. जिन लोगों को चाय नहीं पीनी है वो सूप ले सकते हैं. आप गुनगुना लुकवॉर्म वाटर ले सकते हो लेमन के साथ. देन आपका आया डिनर का टाइम. डिनर हमेशा अपना लाइट रखें बिकॉज बहुत हैवी डिनर लेंगे तो आपको इंडाइजेशन का प्रॉब्लम हो जाएगा. सो डिनर शुड बी लाइट. तो इस टाइम पे आप ग्रीन वेजिटेबल सैलेड एंड रोटी ले सकते हैं. आपको नहीं मन है रोटी सब्जी खाने का तो ओट्स ले सकते हैं, आप दलिया ले सकते हैं. देन आफ्टर योर डिनर यू कैन हैव एनी काइंड ऑफ इन्फ्यूज वाटर. आप जीरा वाटर ले सकते हो, तो जिससे क्या होगा आपका खाना जो आपने खाया है वो पच जाएगा अच्छे से. इवन आप एक स्पून सौंफ जो है उसको भी च्यू कर सकते हैं. सो ये रहा आपका डाइट प्लान. तो अब भी मैंने आपको टिप्स भी बता दिया, आपको मैंने डाइट प्लान भी बता दिया. अब आप लोगों को इसको फॉलो करना है
एंड आई होप आप लोगों को ये वीडियो जरूर पसंद आएगा. एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो काइंडली गो एंड शेयर एंड स्टे ट्यून्ड फॉर माय नेक्स्ट वीडियो. टेक केयर, बाय बाय. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. फॉर फर्दर डिटेल्स कॉन्टेक्ट अस एट 8010 9088888. Thank you.